कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। रामनिवास रावत जो कि बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के कहे जाते हैं, 6 बार के विधायक और बड़ी पकड़ रखते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन आज वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई सारी वजह और कुछ वजहों में से ऐसा कि कांग्रेस पार्टी से वो नाराज भी चल रहे थे, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीडी शर्मा और उनके साथ तमाम बड़े लोग। हमारे सहयोगी उमेश जुड़ चुके हैं श्योपुर से। उमेश, तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप, कितनी संख्या में रामनिवास रावत के साथ उनके समर्थक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रामनिवास रावत तो बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। नगर निगम की महापौर है मुरैना की शारदा सोलंकी, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गई है। मैं तस्वीरें भी आपको बताना चाहूंगा। सीधे मंच पर जो है महापौर मुरैना की जो कांग्रेस की थी वो अब बीजेपी की हो गई है। सीएम के सामने उन्होंने सदस्यता ली है। साफ तौर पर जो मंच है वो आप देख सकते हैं, पूरा जो है रामनिवास रावत के साथ सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और उसके साथ ही जो शारदा सोलंकी महापौर मुरैना से हैं वो भी शामिल हो गई। तो यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को आज झटके का दिन है, और लगातार जो ग्वालियर चंबल से कांग्रेस को जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महापौर जो है बीजेपी में शामिल होने का एक कारण ये माना जा रहा है कि वो भिंड दतिया से जो चुनाव टिकट है लोकसभा का वो मांग रही थी, लेकिन उनको मिला नहीं और यही नाराजगी है जिसकी वजह से वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। साफ तौर पर तस्वीरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, मंच पर शारदा सोलंकी इसके साथ ही रामनिवास रावत मंच से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से कांग्रेस के झटके पर झटके लग रहे हैं, आज जिस तरह से ग्वालियर चंबल का जो है लगातार जो झटके का दिन है कांग्रेस को, और 7 मई को यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, और ऐसे में लगातार कांग्रेस की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। खासकर जब ग्वालियर चंबल को देखा जाता है कि बगावती तेवरों के लिए ग्वालियर चंबल जाना जाता है, और आज ऐसा ही ग्वालियर में देखने को ग्वालियर के लोगों में देखने को मिलता है। उमेश वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन रामनिवास रावत कुछ कह रहे हैं, जरा संबोधन सुन लेते हैं उनका। उदयपुर के लिए एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, ऐसा ऐतिहासिक समय है जो उदयपुर के इतिहास में तो लिखा जाएगा। अब वो किस दिशा में लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा, ये सब उन्हीं के ऊपर है। हमारे बीच में उपस्थित आज मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे परम सहयोगी परम मित्र मोहन प्रकाश यादव जी, और हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय हरियाणा के ही ठीक है। देखिए रामनिवास रावत जो हैं वो अभी संबोधन दे रहे हैं, और कांग्रेस छोड़कर अभी हाल फिलहाल में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का पटका पहने हुए यहाँ पर रामनिवास दिखाई दे रहे हैं। उमेश हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या सिर्फ यही वजह थी कि टिकट नहीं मिला इसलिए नाराजगी थी, या फिर अंदर खाने कुछ और बात? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रामनिवास रावत हैं वो लगातार जब जिस तरह से संगठन में परिवर्तन हुआ था और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी और उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तभी से लगातार जो है रामनिवास रावत की जो नाराजगी है कांग्रेस से वो लगातार होती गई, और कई कार्यक्रम ऐसे हुए जहाँ रामनिवास रावत शामिल नहीं हुए, और लगातार जो है कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं कमलनाथ जब कांग्रेस से जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे और उसके बाद लगातार रामनिवास रावत की अनदेखी की गई, और हाल ही में रामनिवास रावत को तमाम जो है नेता बड़े नेता हैं उन्होंने मनाने की भी कोशिश की। दिग्विजय सिंह का जो चुनाव कैंपेन था उसमें रामनिवास रावत को बुलाया गया था राजगढ़ में, लेकिन बात नहीं बनी, और आखिरकार आज कांग्रेस के जो रामनिवास रावत हैं वो आज बीजेपी के जी। उमेश उमेश आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, लेकिन हमारे कैमरामैन से कहिएगा, सहयोगी से कहिएगा कि वो स्टेज की तस्वीरें भी दिखाते जाएं, हम आपको भी सुनते जाएंगे, दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते जाएंगे। उमेश अपनी बात कंटिन्यू रखिए।
हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रामनिवास रावत हैं ओबीसी चेहरा हैं और विजयपुर में और सोपुर में इनकी खासी पकड़ है, 6 बार यहाँ से विधायक हैं और अब कहीं ना कहीं अनदेखी जिस तरह से उनको लग रही थी और यही वजह है कि अब पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उन्होंने कहा है अभी मंच से कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। अब ऐतिहासिक दिन किस तरह से होगा, मूर्ति सामने जो मुख्यमंत्री बैठे हैं और बीडी शर्मा उनकी तरफ इशारा किया, यानी इशारा यही बता रहा है कि आप बीजेपी के तरह पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब बीजेपी ग्वालियर चंबल में इतिहास लिखने जा रही है। यही वजह कि उन्होंने इशारे इशारों में ये बात भी कही है, मंच से लगातार वो संबोधन कर रहे हैं और साफ तौर पर रामनिवास रावत है कद्दावर नेता है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नुकसान होता हुआ यहाँ पर अब नजर भी आता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 4 सीटों पर लगातार बीजेपी है, वो अपना फोकस जारी रखे हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर लगातार ग्वालियर चंबल से जो नेता है वो कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी में शामिल होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रामनिवास रावत माने नहीं और आखिर में आज वो बीजेपी की हो गए। और दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से महापौर जो शारदा सोलंकी हैं उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी और आज वो भी शामिल हो गए, यानी अब लगातार जो है ग्वालियर चंबल में झटकों पर झटका कांग्रेस को लगता हुआ जा रहा है और जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं वो अब लगातार बीजेपी के होते जा रहे हैं, यानी अब कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के जो समीकरण है वो बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर मैं बता दूं, आज भिंड में राहुल गांधी का दौरा है और दूसरी साथ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में राम निवास रावत बीजेपी में शामिल होने के बाद जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जब राम निवास रावत बीजेपी में शामिल हो रहे थे उन्हें सदस्यता दिलाई, मुख्यमंत्री मोहन यादव इस दौरान मौजूद हैं स्टेज पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा मौजूद है, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के हैं वो इस स्टेज में मौजूद हैं। उमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए उमेश ये जो दल बदलने का सिलसिला है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और जब जब कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होता है तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है कि दल छोड़ गए कोई बात नहीं, इसका कोई असर कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा। राम निवास रावत के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या सियासी समीकरण मध्य प्रदेश में बदलेंगे? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से अब जो है रामनिवास रावत बीजेपी के हो गए तो निश्चित तौर पर ही जो कांग्रेस के जो समीकरण है ग्वालियर चंबल में वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसका एक और कारण है कि जिस तरह से सत्यपाल सिकरवार को मुरैना लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था उसी समय रामनिवास रावत के जो कड़े तेवर वो देखने को मिले थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सत्यपाल सिकरवार को मुरैना से लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि वो बीजेपी में थे बाहरी प्रत्याशी, अगर ऐसे में उनको निश्चित तौर पर जो विरोध है वो झेलना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर इनको टिकट मिलता है तो मैं भी पार्टी छोड़ूंगा और ऐसे संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। और जब सत्यपाल सिकरवार का टिकट हुआ उसके बाद लगातार जो है जो कड़े तेवर हैं वो देखने को मिले रामनिवास रावत को, और यही वजह। देखिए दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस लगातार मजबूती के दावे ग्वालियर चंबल में कर रही है, लगातार जो है बड़े नेता है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरह से लगातार जो नेता कांग्रेस से बीजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो रामनिवास रावत हैं उनके खासे यहाँ पर प्रभाव है विजयपुर और सोपुर में, और ऐसा ही नहीं क्योंकि वो पहले भी मुरैना लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, ऐसे में उनकी खासी पकड़ है और यही वजह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस चुनाव में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल उमेश, यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रामनिवास रावत मंच पर मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। उमेश से और भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राम निवास रावत जनता को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। श्रीमती वेलकर, मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ, उसका मुख्य कारण कोई है तो ये है कि मैं क्षेत्र के विकास को प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना चाहता हूँ, प्रदेश की मुख्य धारा में ले जाने का काम करना चाहता हूँ, और मुझे आश्वासन दिया है मंच वालों ने, आदरणीय बीडी शर्मा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मिश्रा जी ने, सभी ने मुझे आश्वस्त किया है कि क्षेत्र के विकास में लगने वाली राशि की या लगने वाले होने वाले कामों के लिए हम कभी कमी नहीं आने देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा करेंगे। ये मेरा एक मुख्य कारण था भाई जोड़ने, और दूसरा कारण था आदरणीय मिश्रा जी बता सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से तरह से जानते हैं, मैंने विधानसभा में जितनी मेहनत करता था वो किसी से छुपा नहीं था, मैं जब कांग्रेस में था
सबसे ज्यादा किसी को सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेजने का काम करता था तो राम निवास करता था, नुकसान उठाता था तो राम निवास उठाता था। मुझे इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन जितने आदमी मेहनत करे उतना व्यक्ति को सम्मान तो मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिल पाया। मुझे आश्चर्य होता है इस बात की मैंने लड़ाई लड़ी और हर पार्टी भरोसे में उठाया कि आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात तो करती है पार्टी भरोसे, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं करती, सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं देती, सामाजिक भागीदारी नहीं बढ़ाती नहीं बनाती। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी कहते तो नहीं है, पार्टी ने कभी एजेंडा तो नहीं बनाया, लेकिन देश में सामाजिक न्याय के नारे को जीवित करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसका एक ही उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, राजस्थान में ब्राह्मण, तीनों जगह तीनों वर्ग के मुख्यमंत्री दिए हैं। ये सबसे बड़ी बात, इसलिए हम मोदी जी से प्रभावित हुए कि कम से कम सामाजिक न्याय को हमेशा ध्यान रखते हैं। कई ऐसे कारण थे कि हमें सम्मान नहीं मिल पाया, जितनी मेहनत करना थी उतना सम्मान मिलना चाहिए था, हमेशा अपेक्षित होते रहे। और मैं छठवीं बार विधायक हूँ, दो बार मैं चुनाव हारा हूँ, मेरे क्षेत्र की एक एक जनता जो उस समय के लोग ध्यान रखते होंगे, 98 में चुनाव हारा तो किसकी वजह से हारा ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। मुझे अपने ने चुनाव हराने का काम किया और 18 में चुनाव हारा, 18 में से इसलिए हारा कि मैं दूसरी जगह जानते थे जाना चाहता था, मेरे ही नेता ने षड्यंत्र करके मुझे दूसरी जगह नहीं जाने दिया, इसलिए चुनाव हारा। तो दो बार में चुनाव भी हारा, मैं जनता के कार्यकर्ताओं की कमी से नहीं हारा, जनता के आशीर्वाद की कमी से नहीं हारा, जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया है, हर व्यक्ति मेरे परिवार की तरह मानता है, हर व्यक्ति मेरे परिवार की तरह प्यार करता है, छोटा बड़ा बूढ़ा सब। लेकिन अगर ये दो चुनाव भी हारा तो उनकी वजह से हारा। जब मैं ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, अब बात आती है, हम सब लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, सब लोग धर्म का पालन करने में कोई बुराई नहीं है, पूरा क्षेत्र जानता है कि हम भी मैं भी कितना पूजा पाठ करता हूँ, कितना मानते हैं। लेकिन जिस पार्टी में ये सब लोगों की इच्छा रहती है कि हम अपने पूर्वजों के, हम अपने आदर्शों के मंदिर और धर्म स्थान बनाए, जब मंदिर बन रहा था भगवान श्री राम का, इन्होंने एजेंडे में लिया मंदिर बना, क्या जरूरत थी विरोध करने की, क्या आवश्यकता थी। अगर मंदिर बन रहा है, अच्छा काम किया है भगवान राम ने, पूरे समाज को दिशा दी है, पूरे देश को दिशा दी है, पूरे विश्व को दिशा दी है, रामराज की कल्पना हमेशा की जाती रहेगी, कोई कभी भूल नहीं सकता। उसमें सामाजिक न्याय की भी बात आती है, लोगों के सम्मान की भी बात आती है। इसी तरह से अभी चुनाव चल रहे हैं, आप लोगों को बता दें, शायद आपको सबको किसी को मालूम नहीं है, कांग्रेस के एक व्यक्ति ने एक चर्चा शुरू कर दी है, बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी है, वो वैसे विरासत टैक्स आज भी जिन लोगों ने हमको लंबे समय तक राज किया, इंग्लैंड में विरासत टैक्स लगाया गया। अरे भाई, इंग्लैंड के जो छोड़ गए हमसे आजादी हमने प्राप्त की, उनको धीरे धीरे कानूनों को बदल के मिटाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तुम फिर से विरासत टैक्स लेना चाहते हो। विरासत टैक्स का मतलब है कोई आदमी जब उसके नाम प्रॉपर्टी होगी, उसके नाम जमीन होगी, जब वो स्वर्गलोक होने से प्रकृति आए, जन्म होता है तो मृत्यु होती है, सीलिंग एक्ट जो खत्म कर दिया था वो दोबारा लागू हो जाएगा, और आपका नामांतरण के समय 50-55% प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी, आपके बच्चों को नहीं मिल पाएगी विरासत टैक्स। इससे फिर से शोषण करना चाहते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि इस तरह का सोच ये लोग रखते हैं। हमने बहस की, हम करते हैं, मुझसे कई उठाए, लेकिन वहां उठाने का मतलब है, वहां अपनी बात रखने का मतलब है, अगर उन्हें अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो तुम्हारा भी होता था। तो सीधी तस्वीरें श्योपुर से आपको बता रहे थे, जहां